हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उन स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आए हैं जिन स्टूडेंट का अकाउंट्स में उनको दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम है। स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, खास करके जिन लोगों को स्पेशली अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। एक्चुअली सीए फाउंडेशन का पेपर जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने स्कोर किया था 40, और जब उस अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया, उस 40 मार्क्स से लेकर 76 मार्क्स तक की जर्नी मेरी कैसे रही, किन चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया जिस वजह से मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सका और मैं सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर हो गया। बच्चों, आपकी जो सीए की जर्नी है उसमें फाउंडेशन फर्स्ट स्टेज है। जैसे अपनी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके नीचे का जो फाउंडेशन होता है वही अपनी जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसको मजबूत बनाता है। और वैसे ही जो हमारा नॉलेज है, हमारा कोर सब्जेक्ट है, हमारे सीए का हाइट है, वो सब्जेक्ट है अकाउंट। सो बच्चों, इस सब्जेक्ट में हम कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपने सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते हैं और अपनी जर्नी को इजी बना सकते हैं बच्चों, इसलिए ये वीडियो स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। सो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैंने थोड़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाई जिस वजह से मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। सबसे पहली चीज़ थी उसमें डिसिप्लिन। बच्चों, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है हमारी पूरी जर्नी में। अगर आप डिसिप्लिन होकर अच्छे से स्टडी करेंगे, जो स्पेशली स्टूडेंट अभी इस जून के अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, उन स्टूडेंट को मेरा कहना है, अगर आप रिमेनिंग 40 डेज अगर डिसिप्लिन से स्टडी करोगे, और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेल्फ स्टडी। जब आप लेक्चर देखते हो, अभी तो टाइम हो गया है, जो स्टूडेंट रिपीटर से और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी आपका लेक्चर देखने का टाइम नियर टू एंड हो गया है बच्चों। सो आप रिविजन लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डिसिप्लिन रहकर सेल्फ स्टडी करेंगे, और ये चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चों। अगर आप डिसिप्लिन होकर कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा स्टूडेंट। इसलिए आपको अच्छे से डिसिप्लिन होकर स्टडी करनी है, और डिसिप्लिन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लाइफ में हमें चाहिए, वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। बच्चों, विदाउट अगर आप डिसिप्लिन भी होंगे और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप डिसिप्लिन हो लेकिन एक दिन के लिए हो, आपने एक दिन 12 आवर स्टडी किया बाद में नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। अगर आप डिसिप्लिन रहकर अच्छे से स्टडी करोगे, हर दिन अगर आप चीज करोगे, समझो आज से भी लेकर आपने 8 आवर्स हो, 6 आवर्स हो, जितना आप ज़्यादा कर सकते हो उतना अगर आपने ट्राई किया और डेली किया बच्चों, डेली अगर आपने अच्छे से किया तो आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों। जब आप फर्स्ट टाइम, अभी आपने एग्जाम दिया होगा नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करने जाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, एक बार आपका रिवीजन हो गया, सेकेंड टाइम आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, और थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और बच्चों कम से कम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को 3 से 4 बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बच्चों। अगर आपने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया, टेस्ट सीरीज दे दी, तो आपके चांसेस क्लियर होने के इनफैक्ट डबल हो जाते हैं बच्चों। अगर आपने 2 बार रिवीजन किया और आपने 4 बार रिवीजन किया, इन दोनों चीज़ों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। और ऐसे नहीं कि कुछ भी किया, रिवीजन यानी आप अच्छे से समझा, खुद से सेल्फ स्टडी किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, और जैसे जैसे आपका रिवीजन, एक फर्स्ट रिवीजन में आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन देखोगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मार्क करोगे, और जब आप सेकेंड टाइम सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपने पहली बार किए थे जिनमें आपको जो इजी क्वेश्चन दिखे थे, आप अगली बार उन क्वेश्चन को नहीं करोगे, और आप क्वांटिटी आपकी कम करोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स में, और आप ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दोगे। कंसेप्ट जो आपको, एक क्वेश्चन होगा समझो, एक स्पेशल पॉइंट में डाउट होगा, वो पॉइंट नहीं समझता होगा, तो उस पॉइंट का रिविजन करोगे, ना कि पूरे क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करोगे। सो
ये छोटी छोटी चीजें आपको रिवीजन के बाद क्लियर होगी, इसलिए बहुत ज्यादा रिवीजन और साथ में एक बहुत बढ़िया चीज को आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस। बच्चों प्रैक्टिस, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट और ऑल्सो वुमन। बच्चों तो जो स्टूडेंट बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों भी अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अकाउंट पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा हाथ से सॉल्व करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे आंसर देख के आगे निकल जाते, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है अकाउंट्स में, उन बच्चों के लिए मेरी सलाह रहेगी, आप ट्राई करिए कि आप पूरा फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इनिशियल स्टेज में तो। और अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप हाथ से लिखकर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, आपने जब हाथ से सॉल्व किया हुआ होता है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका दिमाग अपने आप वर्क करता है बच्चों। और ये चीजें मेरे साथ लाइफ में हुई है, जब मैंने 76 मार्क्स स्कोर किए थे मेरे एग्जाम में, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था बच्चों वो 20 मार्क्स का था, और आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मुझे मिले थे। और उस चीज का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख ले सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगा। बच्चों आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं अकाउंट्स में, और अगर आपने अच्छे से स्टडी किया, और एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी जर्नी में, वो है पेशेंस। बच्चों अगर आप अच्छे से पेशेंस रख के अकाउंट्स की स्टडी करोगे, प्रोसेस पे ध्यान दोगे, फर्स्ट टाइम आप जब करोगे आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, बाकी चीजें ऐसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपके पास होगी, लेकिन इन सभी चीजों को आपको साइडलाइन करके अगर आपने आपकी प्रोसेस पे ध्यान दिया, आपने अच्छे से स्टडी किया बच्चों, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने में। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के और गाइडेंस की जरूरत होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इसी टाइप के अलग अलग वीडियोस हमारे इस चैनल पे आपको जल्द ही मिलेंगी। तो बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, और कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करिए, और साथ में पेशेंस रखिए बच्चों, क्योंकि हार्ड वर्क इज सॉल्यूशन ऑफ 99% प्रॉब्लम्स। बच्चों स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन जो बच्चे रिग्रेसली मेहनत करते हैं, जो अच्छे से स्टडी करते हैं, जो सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम देते हैं, उन बच्चों का हार कभी नहीं हो सकती बच्चों। सो आप अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।